ईश्वर हमारे साथ है। जय श्री राम। आइए जानिए तुला राशि का जून मास का फलादेश। तुला राशि के स्वामी हैं शुक्र, लेकिन 28 मई से शुक्र जो है वो अस्तांचल की ओर चले गए हैं और ये 9 जुलाई तक अस्त रहेंगे। इसलिए तुला राशि वालों को थोड़ी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहला स्वस्थ संबंधित तो डायबिटिक पेशेंट्स हैं तुला राशि के, समय समय पर अपना चेकअप जरूर करवाएं, अन्यथा रोग बढ़ने के चांस, मानसिक तनाव रहेगा, कुछ धन का खर्च अधिक रहेगा और कुछ आपके द्वारा की गई मेहनत शुभ फल प्रदान नहीं कर पाए, क्योंकि शुक्र अस्त चल रहे हैं कुंडली के अंदर। धन भी केवल निर्वाह योगी ही प्राप्त होगा, इसलिए शुक्र का कल्याण करने के लिए भगवान शिव के ऊपर इत्र का प्रयोग करें, टिप टॉप रहें। क्यों? क्योंकि शुक्र अस्त तो जरूर है, लेकिन अगर आप शुक्र का उपाय करते रहेंगे तो अपने लिए निर्वाह योग्य धन का कुछ ना कुछ संसाधन इकट्ठा करते रहेंगे। भगवान शिव को इत्र से स्नान करवाएं, भाग्य प्रतिशत रहेगा 72%। अगर आपके मन में कोई संशय, कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या इन नंबरों से आप हमें सूचित कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ हमें लिख भेजिए। हमें खुशी होगी कि हम अगर आपकी समस्याओं का समाधान कर सकें। सदा खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ।